हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वा सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, या फिर आपका आवेदन लंबित है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच आया हूँ। अभी से एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप जानते हैं आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और वीडियो बनाने का अंदर से बहुत ज़्यादा मन करता है। तो आपके एक लाइक से आपका और हमारा दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो लाइक ज़रूर दीजिए। चलिए अब वीडियो विस्तार से करते हैं। दरअसल आपको बता दें, बिहार में 1 लाख लगभग प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उन लोगों का आवेदन अब तक लंबित है, अब तक उनके खाते में पैसे नहीं आए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जिनका अभी आवास योजना के लिए चयनित नहीं हुआ होगा, जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला होगा, तो ऐसे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि आवास योजना जल्द से जल्द आए और हम आवास योजना का लाभ ले सकें। तो बात तो कही गई थी यहाँ पर जो नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं कि जून के अंत तक यहाँ पर फॉर्म फिल किया जाएगा, भरा जाएगा। बाकी ग्रामीण वालों के लिए तो भैया आपको मुखिया जी से कॉन्टेक्ट करना ही पड़ेगा, संपर्क करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो आवेदन है वो आगे फॉरवर्ड होगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पाते हैं, इस वजह से चूँकि वो मुखिया के पास नहीं जा पाते, अपने चेयरमैन के पास नहीं जा पाते। जो पंचायत से हैं उनके लिए मुखिया, जो नगर पंचायत से हैं उनके लिए चेयरमैन। अभी वह कौन लोग हैं? वैसे लोग हैं जो चुनाव प्रचार में या फिर चुनाव के दौरान हो सकता है कि जो मुखिया अभी जीता है उसके विरुद्ध हों या उनको वोट ना किया हो। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि भैया हम कौन से मुंह लेकर उनके पास जाएं, मेरा डालेंगे नहीं डालेंगे। तो देखिए, चुनाव के पहले की बात कुछ और होती है, चुनाव के बाद की बात कुछ और होती है। हो सकता है कि आपने जो व्यक्ति है उसको वोट दिया हो, नहीं दिया हो अपने मुखिया को, लेकिन उनका कर्तव्य है कि उनके लिए जितने भी जनता है सब सम्मान है और वो सबका काम करें, ठीक है। ये मुखिया के लिए और चेयरमैन दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। अभी जो अपडेट निकल करके आ रहा है, आप बने रहिएगा इस चैनल पर, हम आपको बताएंगे कि कब से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत गर्मी है इस वजह से वीडियो बहुत डिले हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने सोमवार को राज्य के सभी DDC के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान पाया गया कि राज्य में 1 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो लंबित है। इसमें गया, नवादा और अररिया में सबसे खराब स्थिति है। हाँ, सचिव ने इन ज़िलों को शीघ्र स्थिति में सुधार करने का निर्देश दिया है। मनरेगा में मानव कार्य दिवस सृजन में मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय तथा पश्चिमी चंपारण की स्थिति खराब पाई गई है। इसमें जल्द सुधार करने का भी सचिव ने आदेश दिया है। प्रधानमंत्री आवास में पिछले साल का बकाया मजदूरी भुगतान 1 सप्ताह में करने का सचिव ने निर्देश दिया। इस दौरान सचिव ने लोहिया स्वच्छता मिशन, जल जीवन हरियाली की समीक्षा की, अधिक से अधिक तालाब निर्माण कराने का निर्देश भी दिया है। पौध रोपण कराने के साथ साथ इसे सजीव बनाए रखने के लिए मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया है। नवादा, गया और अररिया में सबसे खराब स्थिति है। मनरेगा में कार्य दिवस सृजन मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय व पश्चिम चंपारण में पिछड़ गए हैं। तो निर्देश दिया गया है, जिन लोगों को अभी तक नहीं मिला है वो लोग एक बार संपर्क कर लें अपने मुखिया से। और कहाँ जाएंगे वो मुखिया, किस लिए चुनते हैं? नगर पंचायत में जो आप चेयरमैन हो या वार्ड पार्षद हो या फिर अपने मुखिया हो, ये हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का उतना पहुंच नहीं रहता है कि वो जिला जा सकते हैं या पंचायत के ऑफिस में जा सकते हैं, नगर निगम जा सकते हैं, या ऊपर इनकी पहुँच नहीं होती है। इसलिए गाँव स्तर पर अपने जो वार्ड है उसके स्तर पर चुनाव होता है, जिसमें आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम, अपनी किसी भी तरह की कोई घटना की जानकारी आप उसको दे सकते हैं, अपने मुखिया को, अपने सरपंच को, अपने वार्ड पार्षद को या अपने चेयरमैन को, तो वो आपको आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आप जाकर कॉन्टेक्ट करिए, संपर्क करिए कि कब से आवेदन फिल होगा, ठीक है। अभी जून में कही गई थी लेकिन अभी कोई यहाँ पर आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है।
साथ ही साथ आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बताते हैं आपको कि नगर पंचायत का आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो खुद से जो ऑनलाइन करेंगे, मैं मानता हूँ कि खुद से ऑनलाइन होता है, लेकिन उसमें आपका कागज़ आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि करना उन्हीं लोगों को है जिनको आपने चुना है। तो बेहतर है कि ऑफलाइन फॉर्म वगैरह फिल करके भर करके दिया कीजिए और संपर्क में रहा कीजिए लगातार, क्योंकि होता ऐसा है कि पैसा कम होता है और लोग ज़्यादा होते हैं, तो जिनकी पहुँच होती है, जिनकी बातचीत होती है, जिनकी लगाव अच्छी होती है, उनका काम तो हो जाता है, और जो घर बैठे रहते हैं इंतज़ार में, उनका लंबित पड़ा रहता है। ये सारी समस्याएं बिहार में आज से नहीं, बहुत पहले से हैं। किसी भी कार्य में, सरकारी कार्य हो या फिर ऑफिस का काम हो या ब्लॉक का काम हो, ज़मीन का काम हो, पहुंच वाले का काम और पैसे वाले का काम ज़्यादा जल्दी होता है, जल्दी उनकी सुनवाई होती है। बाकी लोग तो लाभ भी नहीं उठा पाते हैं, न किसी प्रकार की उनको सरकारी जो तरफ से, जो सरकार की तरफ से जो संस्था जो योजनाएँ चल रही हैं उनका भी लाभ उनको नहीं मिल पाता है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, आपको यहाँ पर बीवेयर होना पड़ेगा, आपको सचेत होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक होना पड़ेगा, तब जाकर के आप किसी भी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलते हैं एक और फ्रेश टॉपिक नई जानकारी के साथ। किसी भी तरह का टॉपिक या किसी टॉपिक पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, वीडियो सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके मनचाहा डेडिकेटेड टॉपिक पर हम वीडियोस बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।